ये देखिए गाइस, ये जो है ये ब्रेक पैड, ब्रेक डिक्स है, ये ब्रेक डिक्स है और ये एक्शन है। ये एक्शन सारा यहाँ से खोल दिया है, खोल के ये सारी चीज़ें, ये चौक ऑब्जर्वर पूरी गाड़ी खोल दी है। ये देखिए, ये इसकी मार्किंग पड़ी हुई है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए ये इंजन का, ये सामने का सारा डैशबोर्ड जो है ये खोल दिया है। ये देखिए इसका डैशबोर्ड आप देखें, पूरा खोल दिया है। किस तरह से पूरा डैशबोर्ड खोला है ये आप देखें। टोयोटा करोला गाड़ी है ये। ये देखें, ये डैशबोर्ड पूरा खोल दिया है। एक एक चीज़ आपको अंदर की नज़र आ रही है। ये देखिए आप, एक एक चीज़ इसकी देख सकते हैं, सारी वायरिंग, सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। ये गियर का भी ये खोल दिया है, ये डैशबोर्ड का, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। सिर्फ एसी के लिए जो है ये खोलना पड़ा ये सारी चीज़ें। ये देखिए, ये सब डैशबोर्ड का सारा सामान रखा हुआ है, ये डैशबोर्ड का सारा सामान रखा हुआ है। ये वायरिंग देखें डैशबोर्ड की, सब नज़र आ रही है। जब इसका डैशबोर्ड हम फिक्स करेंगे तो आपको दिखाएंगे इसकी वीडियो में कि डैशबोर्ड किस तरह से फिक्स होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये देखें, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा कि बस आपका मकसद और आपका काम पूरा हो जाए, इस वजह से आपको शॉर्ट वीडियो में बना के दिखा रहा हूँ। ये डैशबोर्ड आप पूरा देख सकते हैं, पूरा डैशबोर्ड खुला हुआ है। ये देखिए पूरा डैशबोर्ड जो है, पूरा डैशबोर्ड खोल के ये रखा हुआ है, पीछे खोल के इसकी चीज़ें रखी हुई है, कुछ चीज़ें साइड पे रखी हुई है। ठीक है गाइस, इसको जब हम फिक्स करेंगे तो आपको इसकी फिक्स करने का तरीका भी बताएंगे, किस तरीके से आसानी से इसको आप फिक्स कर सकते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।